दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित सुभाष चंद्र मिश्रा, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं, आप सबको बताने वाले हैं अंक ज्योतिष के अनुसार आपको कौन सा मोबाइल नंबर रखना चाहिए। मोबाइल नंबर की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। न्यूमरोलॉजी के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार कौन सा मोबाइल नंबर आपके जीवन के लिए, आपके कारोबार के लिए और विद्यार्थी के लिए और बिजनेसमैन के लिए कौन सा नंबर अच्छा रहता है, किस काम के लिए कौन सा नंबर लकी नंबर होता है, दोस्तों इसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। अंक ज्योतिष के अनुसार नंबरों के अनुसार आपकी पर्सनैलिटी को भी बनाता है, इसका प्रभाव डालता है, साथ ही आपके कैरियर और भविष्य को भी बनाता है। दोस्तों आपके मोबाइल नंबर का एक नंबर ऐसा है जो उसका भी आपके जीवन पर, आपके भविष्य पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि सारा काम आजकल आपके मोबाइल से ही होता है, सारा बिजनेस आपका मोबाइल से ही होता है। इसको समझने की ज़रूरत है, इससे कैसे आपको फ़ायदा पहुँचे, कैसे फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में जानने के लिए आपके मोबाइल नंबर को ऐड करना है। इसलिए आपके मोबाइल के नंबर को जोड़ने से, ऐड करने से आपके मोबाइल के नंबर का अंक ज्योतिष के अनुसार आपको नंबर अंक बनाना है कि आपका नंबर कौन सा है। दोस्तों आपके 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है, उस 10 डिजिट नंबर को आपने आपस में जोड़ना है, टोटल करना है। अगर टोटल करने के बाद दो डिजिट का नंबर आ रहा है, 22 है, 24 है, 27 है, उन दोनों को भी आपस में जोड़ना है। 22 वाले का 4 बनेगा, 27 वाले का 9 बनेगा, इस तरह आप जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद दोनों नंबरों को पुनः आपस में जोड़ करके सिंगल नंबर बना दीजिए। इसलिए कि अंक ज्योतिष एक नंबर से लेकर के 9 नंबर तक ही होता है। जैसे 10 नंबर हुआ, 10 नंबर हुआ, 0 हट जाएगा, वो एक नंबर में चला जाएगा। तो दोस्तों दो नंबर हुआ, उसको जोड़ करके आपने सिंगल नंबर बनाना है। सिंगल डिजिट का नंबर आएगा, उसको पुनः आप जोड़ करके, और जैसे आप सिंगल नंबर बनाएंगे, अपनी उसमें कंट्री का अंक नहीं जोड़ना है। जैसे मान लीजिए आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें कोई, आप भारत में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कंट्री का कोड नहीं जोड़ना है, सिर्फ मोबाइल नंबर जोड़ना है। सिर्फ मोबाइल नंबर जोड़ करके आपने सिंगल डिजिट का नंबर बनाना है। ऐड करने से मान लीजिए आपका नंबर एक आता है, 10 नंबर हुआ, 10 को 0 हटाएंगे, एक हो जाएगा। एक नंबर आएगा तो एक नंबर बहुत ही प्रभावशाली नंबर है। अगर एक नंबर आपके पास है तो ये एनर्जीदायक नंबर है, एनर्जी नंबर है, बिजनेसमैन के लिए ये बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप छोटा बड़ा जैसा भी बिजनेस करते हैं, एक नंबर वाला, डिजिट वाला नंबर अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपके मोबाइल का नंबर 10 नंबर जोड़ने पे और आपका दो नंबर आ गया तो आपको यह नंबर रोमांटिक नंबर है। जो दो नंबर वाले व्यक्ति होते हैं वो रोमांटिक होते हैं, सेल से जुड़े हुए लोगों के लिए यह नंबर बेस्ट होता है, उत्तम होता है। अब बात करते हैं 3 नंबर वाले के लिए। अगर आपके मोबाइल का 10 डिजिट का नंबर जोड़ने से 3 नंबर आता है तो 3 नंबर बहुत ही प्रभावशाली नंबर है, मान सम्मान की प्राप्ति दिलाता है, यश कीर्ति की प्राप्ति दिलाता है, ख्याति प्राप्त कराता है। 3 नंबर वाले व्यक्ति हजारों बंदों को चलाने वाले होते हैं, पालक होते हैं। दोस्तों अगर आपका नंबर 4 आता है, 4 नंबर अगर आ रहा है तो 4 नंबर वाले व्यक्ति अपने बड़ी फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो आपके लिए 4 नंबर वाला मोबाइल आपको अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। अगर आप अकेले रहते हैं तो इस नंबर को अवॉइड कीजिए, इस नंबर से परहेज कीजिए। दोस्तों 4 नंबर का जो मोबाइल है वो किसको सूट करता है? बैंक में काम करने वाले, वकील को, जज को और इससे संबंधित जो भी पढ़ाई है या कार्य है, उन लोगों को 4 नंबर सूट करता है, उन लोगों को इस नंबर का मोबाइल रखना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अगर आपका सारा नंबर जोड़ने पे 5 नंबर आ रहा है तो 5 नंबर जो है, 5 नंबर का प्रभाव है चैन, एक से दूसरे से चैन जोड़ना। दोस्तों ट्रेवलिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए 5 नंबर बहुत अच्छा है। अगर मशीन से, गाड़ियों से संबंधित अगर आपका कार्य है
तो आप 5 नंबर वाला नंबर रख सकते हैं, 5 नंबर आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जोड़ने पे 6 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, तो 6 नंबर वाले व्यक्ति कैसे होंगे, 6 नंबर का क्या प्रभाव होगा, 6 नंबर वाले फैमिली केयर के लिए, दोस्ती के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेवल के लिए उत्तम रहता है। 6 नंबर वाले फैमिली अपने फैमिली का केयर करते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं, बहुत सारे दोस्त वाले होते हैं और बिजनेसमैन होते हैं और ज़्यादातर ट्रेवल करने वाले होते हैं। दोस्तों अगर आपका नंबर 7 आता है, 7 नंबर आता है, तो क्या प्रभाव रहेगा। दोस्तों यह 7 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। इस नंबर से बढ़ती है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में बड़ा लाभ होता है और दिमाग के लिए बहुत उत्तम होता है। 7 नंबर वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसको मोबाइल चाहिए तो आप सब 7 नंबर वाला मोबाइल उसको दें, उसको उसके पढ़ाई के लिए बहुत उत्तम रहेगा। दोस्तों स्वास्थ्य के लिए, दिमाग के लिए 7 नंबर बहुत अच्छा है। अगर आपका नंबर आता है 8 नंबर अगर आ रहा है, तो 8 नंबर सक्सेसफुल लोगों के लिए होता है, बहुत वो जीवन में सक्सेसफुल होते हैं, बिजनेस में कामयाब होते हैं। 8 नंबर वाले पैसे को खींचता है, बहुत पैसा कमाता है और उस 8 नंबर वाले व्यक्तियों में आत्मबल की बहुत बढ़ोतरी होती है, बहुत आत्मबल वाले होते हैं, डिसीजन पावर वाले होते हैं। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़े हुए काम के लिए 8 नंबर वाला अगर आप नंबर रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आपका नंबर मोबाइल का 10 डिजिट का नंबर जोड़ने से 9 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, तो 9 नंबर सनातन धर्म में बहुत सबसे ज़्यादा लकी नंबर है। दोस्तों 9 का जो नंबर है, 9 का शुरू से लेकर लास्ट तक आप जितनी भी गिनती करेंगे टोटल 9 आएगा। रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं वो सब 9 में हैं। तो दोस्तों सनातन धर्म में 9 नंबर बहुत लकी नंबर माना गया है। 9 नंबर वाले व्यक्ति बहुत ही चैरिटेबल वर्क वाले होते हैं, हेल्थ से जुड़े हुए डॉक्टर से संबंधित होते हैं। इन लोगों के लिए 9 नंबर बहुत अच्छा होता है, बहुत जनता को पालन करने वाले या बहुत व्यक्तियों के उपदेश देने वाले, इस तरह के व्यक्तियों के लिए 9 नंबर उत्तम होता है। तो दोस्तों अंक ज्योतिष के अनुसार आपके मोबाइल नंबर की जानकारी आपको अच्छा लगे तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।